इस देश के अंदर तीन इकोसिस्टम है जिनको हमको तोड़ना पड़ेगा, तीन पारितंत्र ऐसे हैं जिनको तोड़ना पड़ेगा और वो अपने तंत्र को ही करना पड़ेगा। हम जो लाना चाहते हैं वो कोई ऐसी चीज नहीं है जो मालूम नहीं है। आज सबको चर्चा होती है आर्यन भोजन थ्योरी, ये ध्वस्त हो चुकी है हर आधार पर, लेकिन प्रचलन में वही है। जितनी बातें चलती है वो सब प्रचलन में। कारण क्या है? इस देश के अंदर एक इकोसिस्टम है। जब एकेडमिक्स में जाते हैं तो इकोसिस्टम है रेफरेंसेस का, नैरेटिव का और डिस्कोर्स का। मैं हमेशा कहता हूं कि आप रेफरेंसेस ढूंढने चलते हैं तो रेफरेंसेस कौन से मिलते हैं? कभी कभी बड़े इस देश के अंदर ऐसे लोग हैं, हम बिना रेफरेंस के बात नहीं करते हैं, हम तो अध्ययन ही करते हैं, हम भाषण नहीं देते हैं। लेकिन सेलेक्टिव रेफरेंसेस आर नॉट कॉल्ड रेफरेंसेस। मैंने कुछ रेफरेंसेस को सेलेक्ट कर लिया, उसको मैं स्थापित किए हुए हूं, उन्हीं को मैं रेफरेंस मानता हूं, वो रेफरेंस नहीं होते। वो सेलेक्टिव रेफरेंसेस तक जाने की क्षमता नहीं है लोगों की। क्यों? वो जो रेफरेंसेस होते हैं वो प्राइमरी डाटा है, वो ओरिजिनल रेफरेंसेस, वो संस्कृत में है, वो पाली में है, वो प्राकृत में है, वो शारदा में है, उनको जानने वाले लोग ही नहीं है। और इसलिए किसी मार्क्सवादी साहित्यकार लेखक की किताब पढ़कर आप कहते हैं कि ये आर द रेफरेंसेस, ये बहुत बड़े एकेडमिशियन थे, मैं उनको रेफरेंस देता हूं। तो इस देश के अंदर पूरे एकेडमिक्स के अंदर एक इकोसिस्टम बन गया है रेफरेंसेस का, नैरेटिव्स का, एंड दैट नैरेटिव्स हैव बिकम ए पॉपुलर डिस्कोर्स। ये तोड़ना है तो हमको उसके लिए एक प्राइमरी डाटा जनरेट करना पड़ेगा। वो प्राइमरी डाटा को जनरेट करना ये भी एक चैलेंज है। दुनिया की 80% पांडुलिपियां भारत में हैं, वो सारी पांडुलिपियां मैन्युस्क्रिप्ट मिशन के अंदर एकत्र की जा सकती हैं, पढ़ी नहीं जा सकती। उसके पढ़ने वाले लोग कहां से आएंगे? वो कौन पढ़ेगा उनको? उनकी व्याख्या कौन करेगा? इंटरप्रिटेशन कौन करेगा? इस देश के अंदर एक बहुत बड़ी चुनौती है, वो एक इकोसिस्टम है। दूसरा इकोसिस्टम है इस देश के अंदर, दुनिया भर के अंदर एकेडमिक्स, मीडिया और टेक जायंट्स, ये तीनों का एक तालमेल बन गया। कभी विश्वविद्यालय में महिषासुर जयंती मनती थी, उसका असर बस्तर में नहीं होता था, जेएनयू में मन सकती थी, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मन सकती थी। अभी सोशल मीडिया आ गया, वो डिस्कोर्स जो सेलेक्टिव प्लेसेस भी होते थे वो आज पब्लिक डिस्कोर्स बन रहे हैं। और ये जो सारे टेक जायंट्स हैं ये उन्हीं को प्रमोट करते हैं जो हमारे उनके हित के अनुकूल है, वो हमारे विचार के विपरीत है। और इसके कारण से हमारा जो एकेडमिक डिस्कोर्स हम जो करते हैं, हम जो काम करते हैं, दैट डज नॉट बिकम ए पॉपुलर डिस्कोर्स। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। पूरी दुनिया के अंदर आज के समय के अंदर आपके पास सत्य हो सकता है, लेकिन सत्य का वाहक आज जो रित है वो रित असत्य की धारा के साथ है। वो जो निरंतरता जो है ना, वो जो गति है, वो गति हमारे साथ नहीं है। अभी हमें इसका काट ढूंढना, हमें इसका रास्ता निकालना है। हमको इसके बारे में सोचना पड़ेगा। एकेडमिक्स, मीडिया एंड टेक जायंट्स, दुनिया के अंदर इसकी एक बड़ा चैलेंज है जिसको हमको पार पाना पड़ेगा। और दुनिया की चार शक्तियां हैं जो पूरी दुनिया में अपनी क्रेडिबिलिटी को खो चुकी हैं, वो एक्सपोज हो चुकी हैं, वो डिस्क्रेडिट हो चुकी हैं। उन्होंने जो व्यवस्था दी दुनिया में किसी भी देश के अंदर, वो 100 साल भी चली नहीं है। उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। दुनिया में माओवाद आया, दुनिया में मार्क्सवाद आया, दुनिया के अंदर सो कॉल्ड वेलफेयर स्टेट के मॉडल आए, दुनिया के अंदर ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से हमको जो उपदेश देना चाहते हैं, उनका जो नेतृत्व करने वाले सब लोग हैं, दुनिया के अंदर इवेंजलिस्ट है, इस्लामिस्ट है, दुनिया के अंदर जितनी शक्तियां हैं, जब जब जहां जहां वो प्रभावी हुए, उन्होंने दुनिया को केवल क्या दिया? उनको दुनिया को वायलेंस दी, कॉलोनियलिज्म दिया, लूट दी,
नरसंहार किए, इसके अलावा कुछ नहीं किया। वो अपने देश के अंदर भी 100 साल में ही डिस्क्रेडिट हो गए, किसी देश के अंदर वो चल नहीं पाए। उन सब के लिए चुनौती हमारा विचार है। हमारे पास सत्ता की चौकट नहीं थी, उसके बाद भी सारी दुनिया हमारे को स्वीकार कर रही है। वो योग के पीछे जाना चाहती है, वो भारतीय जीवन पद्धति के पीछे जाना चाहती है, वो अध्यात्म को स्वीकार कर रही है, वो भारत के पर्यावरण के चिंतन को स्वीकार कर रही है। उनको ध्यान में आ गया है कि भारत का जो चिंतन है यही सारी दुनिया में हमारे लिए एक चुनौती है, और ये सारे लोग हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए सब एकत्र होकर, एक साथ होकर उनका एक इकोसिस्टम बन गया है, जो हर परिस्थिति में इस भारतीय हिंदू इस देश के अंदर जो उपजा चिंतन है उस विमर्श को कैसे रोका जा सके। और इसलिए सारी दुनिया के अंदर काम करने वाले, चाहे इस्लामिस्ट हो, चाहे इवेंजलिस्ट हो, चाहे ग्लोबल कैपिटलिस्ट हो, चाहे कल्चरल मार्क्सिस्ट हो, इनका एक इकोसिस्टम बन गया है। ये सब एकत्र है। वो भारत में जमीन पे ताकत नहीं है तो एकेडमिक इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में उनकी ताकत है, दुनिया के अंदर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान या वहां के मीडिया संस्थान में उनकी ताकत है, वो उसका उपयोग वहां करते हैं, उसका अनुभव हम सबको आ रहा है। और इसीलिए इस देश के अंदर हम ये जो परिवर्तन लाना चाहते हैं, इस परिवर्तन लाने की जब इच्छा लेकर हम काम करना प्रारंभ कर रहे हैं, तो ये तीन चुनौतियों को हमको विजय प्राप्त करनी होगी। आने वाले 25 वर्षों के अंदर अकादमिक जगत की जो चुनौती है, जिसको मैंने कहा दे हैव क्रिएटेड देयर ओन रेफरेंसेज, दे हैव एस्टेब्लिश्ड देयर नैरेटिव, देयर नैरेटिव हैव बिकम पॉपुलर डिस्कोर्स। समाज का वो एक आज स्वीकार्य एक विमर्श उनका बना हुआ है। जिनको हम मुकाबला करने जा रहे हैं उनके पास एक ताकत है, वो ताकत वो एकेडमिक्स में, मीडिया में, टेक जॉइंट्स की सपोर्ट उनके पास है। दुनिया की जो सब शक्तियां हैं, वो सारी के सारी शक्तियां, वो जो सारे ग्लोबल कैपिटलिस्ट फोर्सेस हैं, जो राष्ट्रभाव को, इस भारत के राष्ट्र के चेतना को एक दुनिया के लिए बड़ा खतरा मानते हैं, इसलिए कभी कभी उसको वो मेजोरिटेरियन, कभी कभी एंटी माइनॉरिटी, कभी कभी वो और एंटी प्लूरलिज्म, तरह तरह के वो विशेषणों से करके हमारे ही मन के अंदर भ्रम पैदा करने का प्रयास करते हैं। ये सारी की सारी शक्तियां मिलकर इनकी चुनौती को हमको पार करना है, और इस सारे के लिए हम सब लोगों को अपनी सिद्धता बढ़ानी होगी।